लो जी IRCC वालों इमीग्रेशन फाइलों के बैकलॉग से ताज़ा अपडेट दिता गया है। जे तुसी या तुहाडे किसी रिश्तेदार या दोस्त मित्र ने कैनेडा आना है या आन लई अप्लाई किया है तो जाणो किस वीज़ा कैटेगरी लई हले किन्ना बैकलॉग है। सब तो पहला पंजाबी विदेश न्यूज़ देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हुण खबर शुरू करते हाँ विस्तार विच। IRCC वालों इमीग्रेशन फाइलों के बैकलॉग से 24 अगस्त 2023 नूं जानकारी दिती गई है। IRCC का कहना है कि 31 जुलाई 2023 तक IRCC कुल 2.3 मिलियन इमीग्रेशन फाइलों का बैकलॉग से जिस विच वेस्टर वीजा वर्क परमिट और स्टडी परमिट एप्लीकेशन भी शामिल सन। बैकलॉग में 4.27% टैंपररी रेजिडेंसी फाइलों का वाधा होया सी ते दूजे पासे 5.96% सिटीजनशिप फाइलों का बैकलॉग घटिया भी है अते 4.13% परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन का बैकलॉग भी घटिया है ते लगभग कुल 2% इनवेंटरी का हिस्सा घट होया है। IRCC दे मुताबिक विस्तार विच जानकारी दिंदे दस्या कि 31 जुलाई 2023 तक 2,29,000 सिटीजनशिप एप्लीकेशन स्टैंडर्ड टाइम विच प्रोसैस हुई ने। हले बाकी 67,900 फाइलां प्रोसैसिंग का इंतजार कर रही ने। ते उथे ही ये भी जानकारी दी गई कि 3,41,000 परमानेंट रेजिडेंसी का बैकलॉग क्लीयर होया है पर हले बाकी 2,90,500 परमानेंट रेजिडेंसी फाइलों का बैकलॉग बाकी है ते 9,02,000 टैंपररी रेजिडेंसी फाइलों का बैकलॉग क्लीयर होया है ते बाकी हले 4,44,200 टैंपररी रेजिडेंसी फाइलों का बैकलॉग है IRCC कोल। IRCC का कहना है कि 31 जुलाई तक IRCC कोल कुल 8,26,000 इमीग्रेशन फाइलों का बैकलॉग है ते 2,274,600 फाइलां अंडर प्रोसैसिंग ने। उम्मीद करते हाँ कि यह 2 मिलियन कैंडिडेट्स नूं जल्द इन्हां दी फाइल का रिजल्ट मिले ते सानूं कमेंट करके तुसीं जरूर दसना कि तुहानूं की लगता है कि तुहाडी फाइल का रिजल्ट कद तक मिल जाएगा। अज दे बुलेटिन विच इन्ना ही। जल्द मिलते हैं कैनेडा इमीग्रेशन संबंधी होर अपडेट्स लैके। सत श्री अकाल।